जो देश का आप माहौल देख रहे हैं, इस नई सेना भर्ती योजना को लेकर, कारण इस योजना को लाने का बताया जा रहा है कि आर्थिक कारण है। कई लोगों से चर्चा की, विशेषज्ञों से चर्चा की, उसके पश्चात यह बात तो तय हो जाती है कि यह दिखाने को आर्थिक कारण हो सकते हैं, असल में जो नियत है वो कुछ और है। क्या है वो नियत? कि आप संघ की मानसिकता को सेना में घुसाना चाहते हो। यू वॉन्ट टू इन्फिल्ट्रेट द RSS इन टू आर फोर्सेस। क्या कारण है कि चार में से एक को आप रखेंगे और तीन को आप चलता करेंगे? कोई कारण होगा, नंबर एक। नंबर दो, आप समाज का सैन्यकरण कर रहे हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। आप आए दिन देखते हैं, अमेरिका से खबरें आती हैं, स्कूल में गोलियां चल गई, मॉल में गोलियां चल गई। आप हर चार में से तीन नौजवान, प्रशिक्षित नौजवान, समाज में छोड़ देंगे। समाज की क्या स्थिति होगी? आप क्या चाहते हैं? हमारे नौजवान गैंग्स चलाएं? क्या चाहते हैं? आपकी नियत क्या है? सोचा क्यों नहीं आपने? साथियों, जो डीमोनेटाइजेशन ने अर्थव्यवस्था का हश्र किया, ये डीमोनेटाइजेशन वही हश्र फोर्सेस का करेगी, सुरक्षा का करेगी। व्हाट द डीमोनेटाइजेशन डिड टू द इकोनॉमी, दिस डीमोनेटाइजेशन विल डू टू आर सिक्योरिटी फोर्सेस। 55,000 सैनिक हमारे हर साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित होते हैं, काबिल होते हैं, अभी उनका काफी वक्त बचा होता है जिसमें वो कुछ योगदान दे सकें। आप रीसेटलमेंट डायरेक्टरेट का आंकड़ा उठाकर देखिए, मात्र 2-3% को फिर से नौकरी मिल पाती है, बाकी बेरोजगार होते हैं। तो आप जो आज 55,000 प्रतिवर्ष रिटायर्ड सैनिकों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो, ये क्यों वादे करते चले जा रहे हो आप कि ये भी दे देंगे उनको, उसके बाद ये भी दे देंगे उनको? आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, आप नहीं दे पा रहे। आप जिस तरह से योजनाएं लाते हैं, नोटबंदी में 50 दिन में 60 बार आपने परिवर्तन किया नीति में, 50 दिन में 60 बार। GST आप ले आए बिना सोचे समझे, 10 महीने में 376 चेंजेस इन GST इन 10 मंथ्स। ये बताता है आपको कि बिना सोचे समझे मोदी सरकार किस तरह से नीतियां लाती है और सबके साथ खिलवाड़ करती है। जो काले कानून लाए थे वो एक साल तक आप जिद पे अड़े रहे, फिर आपको पीछे हटना पड़ा। CAA 2.5 साल पहले आप लाए, आज तक आप नियम नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे एक दिन सुबह उठे और थोप दी एक नीति। अब ये जो अग्निपथ नाम की स्कीम है, पिछले 3 दिनों में 3 अलग-अलग परिवर्तन आ चुके हैं, अभी 3 ही दिन हुए हैं। तो आप सबके माध्यम से हम फिर से गुजारिश करेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि पहली बात, बिना सोचे समझे नीतियां थोप कर लोगों की जिंदगी के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। दूसरी बात, जैसा कि मेरे साथी ने कल भी बताया, इस योजना को तुरंत वापस लीजिए। अब मेरे वरिष्ठ सहयोगी सांसद प्रमोद तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद पवन भाई। बधाई मुझे दे रहे हैं आप? हम दोनों को बधाई दे रहे हैं। मैं आपको भी बधाई दे रहा हूं, खुद भी ले रहा हूं। ये पूछ लीजिएगा किस बात की बधाई है। मुझे याद आता है हरियाणा में लोकसभा के चुनाव के पहले
तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात ने एक बहुत संवेदनशील विषय उठाया था, वन रैंक वन पेंशन का वायदा था, संकल्प था। और उसी में याद हो आप सबको तो जनरल बीके सिंह सक्रिय राजनीति में शामिल हुए थे। आज वास्तविक स्थिति क्या है? ये अग्निपथ लागू हो गया अगर तो वन रैंक वन पेंशन का वायदा हो जाएगा नो रैंक नो पेंशन, ओनली टेंशन 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 विदाउट डायरेक्शन। मैं कोई अपने ऊपर न ले, मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूं। 70-71 साल 72 साल का आदमी तो दावा करेगा कि मैं देश सेवा कर रहा हूं। मैं तो राज्यसभा में हूं, बहुत ऊंचे पदों पर संवैधानिक बैठे हुए लोग 71-72 साल में देश सेवा का संकल्प ले रहे हैं चरणों में बैठ के, वो काबिल है कि देश सेवा कर सकते हैं। पर हमारे हिंदुस्तान का नौजवान 22 साल 23 साल 24 साल का भूतपूर्व हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लीजिए, इसे देश की युवाओं को बचाने की आप सबसे भी अपील करता हूं। कल्पना कीजिए कि एक 71 साल 72 साल का आदमी कह रहा है कि हाँ मैं देश की सेवा करूंगा, और 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 18 साल में भर्ती होगा, 4 साल बाद 22 साल 23 साल 24 साल घर चला जाएगा और वो रिटायर्ड होगा। विनम्र आग्रह है, बचा लीजिए देश के नौजवानों को, और नौजवान नहीं रहा तो देश नहीं रहेगा। इसमें एक चीज जरूर मैं कहना चाहता हूं, इन नौजवानों का बलिदान क्यों हो रहा है? वित्तीय बचत कर ली जाए, यानी कुछ साधन पैसे बचाए जाए, यही तो है ना कहा जा रहा है। अरे तब कहां थे जब हमारी खरबों की संपत्ति हम दो हमारे दो मुट्ठी भर लोगों को एक एक हजार गुना कम उस पर बेच रहे थे, हजारों गुना संपत्ति हवाले की जा रही थी, रेल खेल तेल, जो दिख गया सामने ले जाओ। उस समय वित्तीय साधन नहीं बचाने के, पैसे बचाने की नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि यहां रहता तो देश के लिए रहता, जिनको दे रहे थे वहां तो अपना रहता ना, इसलिए अपनों को मजबूत करने के लिए देश लुटाया गया। तो क्या वित्तीय बचत के लिए हम नौजवानों को शहीद कर देंगे? इसीलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस ने, इसीलिए हमें दर्द है। पर आजादी की लड़ाई जिन्होंने नहीं लड़ी, जिन्होंने उस समय, मैं उनकी बात नहीं करता, उनके पूर्वज या उनके जुड़े हुए संगठन बहुत से विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर लड़ने की बात कर रहे थे, वो आज इस देश के नौजवान को बेरोजगार 22 23 24 साल में बना दे रहे हैं। कल्पना करिएगा, 23 साल 24 साल 25 साल में बहुत से लोगों की शादी होती है देहात में। हम लोगों के यहाँ, मैं तो उत्तर प्रदेश का खास तौर से ये मसला रख रहा हूँ, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता हूं, उत्तर प्रदेश से हूं मैं, इसलिए रख रहा हूं कि वहां सड़कों पर युवा निकल पड़ा है, उसे नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या है, और उसका मां बाप बेबस होकर देख रहा है कि जा रहा है मेरा बच्चा, और उस पर उत्तर प्रदेश में बर्बर लाठी चार्ज हो रहा है।
अरे वो क्या मांग रहा है? संविधान प्रदत्त अधिकार, प्रधानमंत्री का वो बयान 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, 16 करोड़ को मिल जाना चाहिए था, वही तो मांग रहा है, उसे लाठियां मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्र अपील करूंगा, किसानों का आंदोलन 1 साल चला था, 700 हमारा परिवार का किसान शहीद हुआ था, तब चेते थे आप, अब कितने नौजवानों के बलिदान के बाद आप इसे वापस लेंगे? राहुल जी ने कहा है, ठीक कहा, इसे वापस लेना चाहिए। 700 किसानों की शहादत के बाद उसको वापस लिया था, इसमें कितने नौजवानों को शहीद करने के बाद वापस लेने का इरादा? साफ करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, तत्काल आज ही इसे वापस लीजिए। और एक बात मैं कह के, हमारे काबिल साथी युवा क्रांति के जनक हैं, उनके हवाले करूंगा मैं, मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर ये सोच समझ कर सरकार बनाती तो जिसके लिए बनाती उससे बातचीत करके बनाती। अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, सर्जरी शुरू हो गई उसकी, पहले 21 साल, अब 23 साल। पहले कहां थे अमित शाह जी? पहले क्यों नहीं कहा आपने कि हम 10% अपने यहां लेंगे? पर ये बोलने के पहले पैरामिलिट्री फोर्सेज में कहा है ना कि 10% लेंगे। जरा साहब रिकॉर्ड तो निकलवा के देख लीजिए, 600 का कोटा था, आर्मी का कोटा कोई पहली बार नहीं होगा एक्स आर्मी मैन का, और 6 लोग भी भर्ती नहीं हुए हैं। तो मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, चिंतित हूं मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर। अगर ये सोच समझ कर लाया गया होता तो क्या 4 दिन के अंदर इतने परिवर्तन करने पड़ते? ये तो युवा सड़क पर आ गया, लगा गलती हो गई तो रफू करो, रफू करो। राजस्थान का युवा सड़कों पे आ गया तो रफू करो। ये दर्शाता है कि पहले की तरह, जो बात कह चुके हैं हमारे साथी, अमेरिका की तर्ज पर ले जाने को देश का इरादा था, अब इजराइल की तर्ज पर ले जाने का देश को इरादा है। नौजवानों के भविष्य को हम चौपट नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर नौजवान बर्बाद हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये दर्शाता है कि बिना सोचे समझे किसी दबाव में अपने मालिकों को खुश करने के लिए सरकार लाई है, जिससे बेरोजगार नौजवान सड़क पर दर दर भटकेगा तो छोटे वेतन पर आ जाएगा, कम वेतन पर आ जाएगा, तो जो खरीद के ले गए हैं उनके चलाने के लिए उनकी भी तो मदद हो जाएगी वित्तीय। बस सिर्फ आप सबसे विनम्र अपील करते हुए, इस देश को बचा लीजिए पत्रकारिता से, पत्रकारों से, नौजवान को बचा लीजिए और इस पर जम कर खड़े हो जाइए। देश कमजोर हो गया, नौजवान नहीं रहा तो फिर देश भी नहीं मजबूत रहे। मीडिया के सभी साथियों और आपके चैनल के माध्यम से, आपके YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। और हमारे 2 वरिष्ठ साथियों ने न सिर्फ आज बल्कि लगातार जब से ये योजना घोषित की गई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, उसके साथ साथ मैं बिहार का रहने वाला हूँ। शायद ये पहला मौका है कि मैं आप तमाम लोगों के सामने स्पष्ट तरीके से यह बात रखना चाहता हूँ कि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, हमारे परिवार में रिश्तेदारी में 16 लोग आर्म फोर्सेज की नौकरी करते हैं। मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जिसको शहीद का परिवार कहा जाता है। इंसर्जेंसी में हमारे एक भाई की शहादत हुई है, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और आप सबके चैनल पे भी मैं यही देख रहा हूँ कि सब लोग यही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हिंसा बिहार में भड़क रही है। मैं इस बिंदु पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हम लोग मार्केटिंग नहीं करना जानते हैं। हमको लगता है कि सेना का, देश के सर्वोच्च सम्मान का,
ये मार्केटिंग करने का चीज नहीं है, लेकिन आप एक एक मंत्रियों का बयान सुन करके देख लीजिए, जो लोग अग्निपथ योजना का फायदा गिना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सेल्समैन की भाषा होती है ना, वाह मेगा बम्पर ऑफर चल रहा है, आपको 20 लाख रुपया भी मिल जाएगा, 4 साल में आप रिटायर भी हो जाएंगे, फिर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। इस भाषा की मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर कोई चूहा मारने की दवा बेच रहा हो। साहब आप मंत्री हैं, आप सबसे पहले देश की जनता को ये बताइए कि इस योजना की जरूरत क्या है। हर साल जब 50,000 से ज़्यादा भर्तियां और नियमित भर्तियां, जिसमें टीए भी है, डीए भी है, पेंशन भी है, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन का भी प्रावधान है, रेलवे का भी टिकट मिलेगा, हवाई जहाज का भी टिकट मिलेगा, और अगर सर्वोच्च बलिदान आप देते हैं, आपको शहादत होती है, तो आपके परिवार का भी ख्याल रखा जाएगा। इन तमाम बातों को छोड़ करके मंत्री कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में। ये वही भाषा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि काला धन वापस आ जाएगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपया मिल जाएगा। मिल गया क्या 15 लाख रुपया? जिस खाते में 15 लाख रुपया मिलने वाला था ना, उसी खाते में 20 लाख रुपया भी मिलेगा। इस मानसिकता को समझने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम लोग इस योजना की ज़रूरत पर सवाल उठा रहे हैं। जब देश में एक नियमित भर्ती प्रक्रिया है, 2014 में देश बना है, उससे पहले क्या आर्मी में लोग बहाल नहीं होते थे? क्या हमारे पास जो एक प्रक्रिया नहीं थी, उस प्रक्रिया को ख़त्म करने का कारण क्या है? तब सरकार के कुछ दावे बताए जा रहे हैं। दावा क्या है? दावा यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोज़गार मिले। ये तो आप चाह रहे हैं, ये आप वादा भी कर चुके हैं कि हर साल आप 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस 2 करोड़ नौकरी को छोड़ करके पीएमओ ने अभी ट्वीट किया कि हम 10 लाख रोज़गार देंगे। साहब अगर आप रोज़गार देने के लिए सीरियस होते, 28 लाख पोस्ट जो हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में भर रिक्त पड़ा हुआ है, और आप स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के देख लीजिए, भर्तियां नहीं की जा रही है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये असली बात देश की जनता से छुपाना चाहते हैं। असली बात क्या है? आप सब लोगों को याद है कि जब नोटबंदी की गई तो यह दावा किया गया कि इसके बाद नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। कल ही जो है एक सब इंस्पेक्टर की फिर से टारगेटिंग किलिंग की गई है, नक्सलवाद की घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं। अगर नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाता तो पुलवामा की घटना कौन करके गया है? कैसे पुलवामा की घटना हुई है? तो ये दावा करते हैं, जब उस दावे का आप पड़ताल करेंगे तो आपके ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर देंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज घूम रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जिस भी योजना का कांग्रेस विरोध कर रही हो, ऐसा आप मान लीजिए कि वो योजना सही है। कांग्रेस के विरोध करने से आप चलते हैं? आप सत्ता में बैठे हुए मोदी जी, आपके ऊपर देश की जनता ने भरोसा किया है। विपक्ष के भड़काने से लोग भड़क जाते, विपक्ष की कही हुई बात लोग मान लेते तो प्रधानमंत्री मोदी जी होते। इस देश के लोगों ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही नौजवान हैं, ये उस वक्त हिंसा नहीं किए जब इनके माँ बाप हजारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर गए, ये वही नौजवान हैं, ये तब भी हिंसा नहीं किए जब उनके परिवार को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और वो तरप तरप करके जान दे रहे थे, ये तब भी हिंसा नहीं किए जब आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी। मैं देश की सरकार से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह अपील करना चाहता हूँ कि ये कोना कोना कौन कोना सोतली पुतोह कोना खेलना बंद कीजिए। आप हकीकत में बताइए कि रियलिटी क्या है। क्या आपने विपक्ष को पूछा? आपने विपक्ष को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं? आपने कोई पार्लियामेंट की कमेटी की मीटिंग की? या आपने नौजवानों को पूछा कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह, और नौजवान कहते हैं हमको ये भलाई नहीं चाहिए? इस मनोदशा को समझिए साहब। हम ऐसे गाँव से आते हैं, ऐसे इलाके से आते हैं, कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है साहब कि हमारे इलाके में कोई शहादत ना हुई हो। हमारे इलाके में लोगों के पास महज नौकरी नहीं है सेना, हम जानते हैं इस बात को। जब किसी परिवार में किसी बच्चे को सेना की नौकरी मिलती है
पूरे इलाके में उनका सम्मान होता है। और दुख के साथ साथ जब एक पार्थिव शरीर गांव आता है, आंखों में आंसू होने के बावजूद उस इलाके का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे ने जो है देश के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया है। सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है, आप इसको मजाक मत बनाइए। और एक बात हमारे साथी भी कह रहे हैं, आप तमाम मीडिया लोग भी इसको बोल रहे हैं कि उसमें से 25% लोगों को, साहब 25% नहीं, अप टू 25%, ध्यान रखिएगा, ये है सेल्समैन मेगा बम्पर ऑफर की मानसिकता। अप टू 25% क्या होता है, मतलब 25% की भी गारंटी नहीं है। ये मत समझिए आप कि उसमें से एक को दे ही देंगे नौकरी, बहुत चालाकी से टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया है अप टू 25%। और इसमें ये कितना गंभीर है, इस गंभीरता का आप अंदाजा लगाइए कि अभी आए हुए 3 दिन हुए हैं घोषणा किए हुए, 2 मेजर अमेंडमेंट हो चुका है, और जो फायदा गिनाए जा रहे हैं वो फायदा तो पहले से है। सेना में, आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में भर्ती होने की मैक्सिमम आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष से ज़्यादा में तो आप बहाल ही नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अलग अलग रैंक पे आप कितना समय तक सेवा देंगे वो पहले से निर्धारित है। और जो लोग आर्मी की नौकरी समाप्त करके, सेवा समाप्त करके आते हैं, उनको अन्य जगहों पे सुविधाएं दी जाती है। भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं दी जाती है, भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को सुविधाएं दी जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग, मैं बहुत साधारण साधारण बात करता हूँ, मुझे लंबी चौड़ी बात करनी नहीं आती है, क्योंकि कहते हैं जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। हमको पता है कि आर्मी में कौन लोग जाते हैं, गृहमंत्री का बेटा आर्मी में नहीं जाएगा, वो BCCI का सेक्रेटरी बनेगा। हमको पता है कि वहाँ पे सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं। कोई नेता का बाल बच्चा आर्मी में नहीं जाता है, जाता है, प्रधानमंत्री भी जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने के लिए वर्दी पहनना एक बात होता है, देश की भक्ति के लिए, सर्वोच्च सम्मान के लिए वर्दी पहनना दूसरी बात होती है। दीपावली में जा करके मिठाई बांट देंगे, उसके बाद आ करके अग्निपथ योजना ला करके देश की जवानों का दिवाला निकाल देंगे। अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। इस योजना को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और ये जो लॉलीपॉप वाली भाषा है ना, इस लॉलीपॉप की भाषाओं को बंद करना चाहिए। और जहाँ तक बिहार में हिंसा का सवाल है, सीधा सा एक कारण समझ लीजिए, ये नौजवान ना किसी के द्वारा लाए गए हैं, ना किसी के द्वारा बुलाए गए हैं। आप तमाम प्रबुद्ध पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन होता है उसका स्वरूप अलग होता है। हम लोग 3 दिन से नहीं डिटेन हो रहे हैं यहाँ पे, हमारा ऑफिस छावनी नहीं बना हुआ है, हम लोग आते हैं पुलिस पकड़ करके हमको ले जाती है, कोई हिंसा नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। उसमें हिंसा क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ नौजवानों का सब्र जो है पानी सर से ऊपर चला गया है। और एक बात और जान लीजिए, जो हमारा बेरोजगारी दर है देश का, बिहार का बेरोजगारी दर डबल है साहब। जहाँ के मजदूर, बिहार का मजदूर जाता है ना हरियाणा और पंजाब में धान काटने के लिए, बिहार के ही लोग आते हैं ना दिल्ली में काम करने के लिए, बिहार के ही लोग जाते हैं ना महाराष्ट्र में काम करने के लिए। जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहाँ के लोग ऑलरेडी विस्थापित होते हैं। ये जो बच्चे हैं ये उस उम्मीद में अपने गांव में रह रहे हैं, दौड़ रहे हैं जारा गर्मी बरसात, सड़कों पे, मैदानों में, रेत पे, कि इनको किसी दिन सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। ये मौका इनसे जब छीना जा रहा है तो इनका सब्र टूट गया है। लेकिन मैं इन तमाम नौजवानों से भी एक अपील करना चाहता हूँ, दोस्त हम किसान के बच्चे हैं और हमारे माँ बाप ने इस सरकार को झुकाया है, इस सरकार को बताया है कि ये देश गांधी का देश है और गांधी के देश में सत्य और अहिंसा से ही कोई लड़ाई जीती जा सकती है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इस आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करते हुए सरकार से यह अपील करते हैं कि इसको वापस लीजिए, और नौजवानों से अपील करते हैं कि देश की संपत्ति को मत जलाइए, मत जलाइए, क्योंकि कल को आपको वही संपत्ति इसी प्रधानमंत्री से बचाना भी है। क्योंकि देश की संपत्ति ये दोस्त को बेचने वाले हैं, ये हमारे आपके टैक्स के पैसे की संपत्ति है, इसकी रक्षा कीजिए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलिए। और किसानों ने 700 लोगों की शहादत देने के बाद 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चलाया, शांतिपूर्ण तरीके से चलाया,
तमाम तरह के आरोप लगाए गए, जैसे आज आपके आंदोलन को कहते हैं उपद्रवी, तोड़फोड़ करने वाले, हिंसा करने वाले, ये कहां से आ गए, कैसे आ गए, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? और विपक्ष के माथे पर मत खेलिए, विपक्ष की बात जनता अगर सुन रही होती तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। इसलिए प्रधानमंत्री होने के चलते मैं आपसे अपील करता हूं कि इस योजना को आप वापस लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।